और वैसे चाहिए कि ये बेल्ट आदि, ये जूते आदि जो चमड़े के हैं, तो यदि हम इनको लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं हिंसा में सम्मिलित होते हैं, क्योंकि ये जितने भी बेल्ट ये जो भी बनते हैं, मरे हुए जानवर के चमड़े से नहीं, ये जिंदा जानवरों की हत्या करके उनके चमड़े से बनते हैं। तो यदि गौ हत्या करके उसके चमड़े से जो भी बनाए गए और उनको हम पहने, तो हम उस हिंसा में कहीं ना कहीं सम्मिलित हो रहे हैं। अच्छा, जूता यदि गौ के चमड़े का बना हुआ है, हमें पता नहीं, और हम पहने हैं, तो जिसको हम आदर दृष्टि से देखते हैं, जो हम एक तरह से हमारे सनातन धर्म में आराध्या है, गौ हमारी आराध्या है, हम उसकी आराधना करते हैं, गौ में समस्त देवता वास करते हैं, ऋषि मुनियों ने आराधना की, जिस गौ का मूत्र भी पिया जाता है, जिस गौ का गोबर भी हमारे यहाँ पवित्रता का प्रतीक है, ऐसी गौ की हत्या हुई हो और उसके चमड़े के हम जूते पहने, तो मुझे तो लगता है कि ठीक बात नहीं है। अपने कहलाते हैं सनातन धर्म ही हैं, कहलाते हैं हम हिंदू, लेकिन हम खुद उसमें सपोर्ट करते हैं, गौ हत्या का बढ़ावा देते हैं। यदि हम उन वस्तुओं का सेवन न करें और प्रत्येक गृहस्थ अपने दरवाजे पर एक गौ का पालन करें, तो देखो आप आज हमारी कितनी बुद्धि मलिन होती जा रही है। कि कुत्ता हम निषेध नहीं करते, वो भी जीव है, वो भी भगवत स्वरूप है, लेकिन दरवाजे के बाहर है, कितनी बुद्धि मलिन होती जा रही। शास्त्र सिद्धांत की हम अवहेलना कर रहे हैं। जहां गाय की मूत्र गिरे, गोबर गिरे, वहां कहा जाता था लक्ष्मी का वास होता है, बड़ा पवित्र माना जाता था। आज गाय को हम निकाल देते हैं और कुत्ते और कुतिया को रखते हैं, वो चाहे रसोई में भी हगे मुते, तो हम उसको पवित्र मानते हैं। अच्छा, कुत्ते का एक सहज स्वभाव होता है चाटना, उसका सहज स्वभाव होता है। अब वो पप्पू गप्पू करके जाए सके तो मुंह में चाटता है कि तुम पवित्र हो जाओ, अगली जन्म तुम्हें यही मिलना है। कुत्ते को पालो, दरवाजे के बाहर रखो, अच्छा से अच्छा भोजन दो, उसकी सुविधा करो, वो भी जीव है, घर में रसोई में। मुझे लगता है कि ये बहुत गलत अपवित्र बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पशु है, भगवान का अंश है, हम उसका आदर करते हैं, लेकिन उसे गृहपाल कहा गया है, दरवाजे के बाहर उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए वो ऐसा। लेकिन गौ, गौ को हम माता तक कह डाला कि हमारी माँ है, गौ हमारी माता है। और यहां तक कि हमारे सनातन धर्म में जब दीक्षा दी जाती थी तो पहले पंच गव्य पिलाया जाता था। आज भी हम श्री जी का अभिषेक करते हैं तो उसमें गाय का दूध, गाय का घी और गाय का दही, कितने पवित्र वस्तु है, फिर वो बूरा और शहद आदि का प्रयोग करते हैं। तो आप पंचगव्य में अधिक मात्रा में गौ का ही आया, गाय का दूध, गाय का घी। आज हम क्या है कि बाजार से दूध लेना पसंद करेंगे, चाहे वो पाउडर का बना, महीनों का सड़ा हुआ रखा हो, लेकिन एक गाय दरवाजे पर नहीं बांध सकते। जो पवित्रता गौ जहां बंधी होती है ना, कई अनिष्ट अपने आप नष्ट हो जाते हैं। गाय जहां खड़ी होती है, गौशाला को परम पवित्र माना जाता है, वहां भजन करने पर कई गुना बढ़कर के भजन का लाभ मिलता है। आज हम देखो गौ सेवक नहीं बन रहे। अगर एक गाय घर में रख लो और एक रोटी निकालकर उसको पवाओ, उसकी सेवा करो, उसमें हाथ फेरो, और तो ये देखो हमारा धर्म बन गया, हमारी सेवा बन गई। जब हम गौ सेवा नहीं करते हो, जब रास्तों में ऐसे भटकती गाय हैं, तो जो दुराचार प्रवृत्ति वाले कठोर हृदय वाले लोग हैं, उनको ले जाते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी इस हत्या में कहीं ना कहीं सम्मिलित हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि यदि हमारे पास धन हो, हमारे पास व्यवस्था हो, तो हम दूध के लिए ही नहीं, अपने धर्म की रक्षा के लिए गौ सेवा करें। दूध के स्वार्थ से नहीं कि दूध दे तो गाय, ऐसा नहीं। हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्मावलंबी हैं, हमारा कर्तव्य है गाय की सेवा करना, अपने धर्म का पालन करना। वो दूध दे या ना दे, हम गौ सेवा करें, गौ की रक्षा करें। अगर हम कहीं चमड़े के बने हुए वो ये सब वस्तुएं प्रयोग में लाते हैं, तो मुझे जैसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम गौ हत्या में सम्मिलित हैं, तो मुझे बचना चाहिए, चमड़े की वस्तुओं से बचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हम कैसे उस बेल्ट को पकड़ें जिसको गौ की हत्या करके उस चमड़े से बनाया गया है?
कैसे हम उसके जूते पहने जिसको हम वंदना करते हैं, जिसको हम माँ बोलते हैं, गौ को जो हम अपना धर्म का प्रतीक मानते हैं, उसी के चमड़े बना करके, चमड़े के जूते बनाकर हमें पहना दिए, ऐसा मतलब कहीं ना कहीं हमसे गलतियां होती हैं। और अगर धन हो और व्यवस्था हो तो प्रार्थना है एक ही गाय चाहे रखे, रखना चाहिए। आप देखिएगा उसका बल दे, मतलब बड़े बड़े अनिष्ट जिसके दरवाजे पर गाय होती लौट जाते हैं। कई ऐसे प्रसंग आए हैं शास्त्रों में कि जब कोई ऋषि का क्रोध प्रबल हो गया तो राजा आगे गऊ करके गए हैं, तो गऊ को देखते ही उनका क्रोध शांत हो गया और वो उस भयानक अपराध से मुक्त, गऊ के दर्शन मात्र से बच गए अपराध से। ऐसा आया है, गऊ को आगे कर लिया, ब्राह्मण को आगे कर लिया, ये हमने कई चरित्रों में पढ़ा है। तो यदि दरवाजे पर गऊ बंधी हो तो बहुत सुंदर और एक शोभा भी होती है। आप देखो किसी के दरवाजे पर एक गाय बंधी हो, बछड़ा खेल रहा हो, ये कितना पवित्र मतलब लगता है। अब पहले लिखा रहता था दरवाजों पर अतिथि देवो भव, अब लिखा है कुत्ते से सावधान। और जरा सा दरवाजा छुओ कि वो घुर घुरा के दौड़ा साइड से भागा, वो आया जो अतिथि देवो भोला, वो दरवाजे के बाहर पहला स्वागत हुआ कि वो तो ये थोड़ा सा सावधान, बोले वो रक्षा करेगा। रक्षा करता है धर्म, कुत्ता नहीं रक्षा करता, क्या रक्षा करेगा? धर्म। धर्मो रक्षति रक्षता, जहां कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता वहां धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, यदि आप अपने धर्म की रक्षा करते हो तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। सब में भगवान है, हम सबको प्रणाम करते, लेकिन यथा योग्य वर्ताव किया जाए, गौ का आदर किया। आज कलिकाल में पहले था कि जो किसान थे वो बैल रखते थे, बैल के लोभ से और दूध के लोभ से गाय को आप बहुत आदर करते थे, क्योंकि बछड़ा हुआ तो एक उत्साह होता था कि गऊ का बछड़ा हमारे खेतों में काम आएगा, हल जोतने के काम आए। आज ट्रैक्टर चल गए तो बैल बछड़ों की कोई आवश्यकता नहीं रही, सांड जंगली छोड़े जाते जिससे गाय व्यवस्थित गर्भाधान होता था, अब अस्पताल में दवाई से हो जाता है, विदेशियों को सब तो उसकी जरूरत नहीं, तो अब उनको जरूरत जिनकी नहीं उनको काटने वाले लोग ले जाते हैं। आज हमारे यहाँ जो बहुत बड़ी हानि हो रही है वो यही हो रही कि अपराध बढ़ रहा है। ये गौ आदि हमारे द्वारा सेवित, हमारे गोविंद भगवान ने इनकी सेवा की है, तो सोचो जब भगवान इनके पीछे डोले हैं तो अपने लोगों को चाहिए कि रोज गौ सेवा हो, इसके लिए एक गाय हमारे घर में। अगर हर गृहस्थ एक गाय रख ले तो गाय की जो दुर्दशा हो रही ना वो होए ही ना, और गोविंद की प्रसन्नता का हेतु गाय है। और शुद्ध गाय का दूध, ये जो दूध आता है ना मिलावट रहती, आप शुद्ध गाय का दूध दुहो और गाय हरी घास चरी हो तो देखो उस दूध में इतनी पौष्टिकता होती कि आप निरोग होंगे। आज हमें गाय का दूध शुद्ध नहीं, अपने आप में औषधि है गाय का दूध, आज दूध नहीं मिल रहा है हमें, शुद्ध दूध नहीं मिल रहा तो देखो कितनी परेशानियां, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये लीवर, हमने गांव में कभी सुना ही नहीं कि शुगर भी होती है, सुना ही नहीं गांव में किसी की शुगर होती। एक भेली गुड़ इतना, मतलब आउन पौन किलो, 2 लीटर मठा, वो पाप आके और बैल की तरह ताकत, और मैं कहीं को शुगर लाम चीज, या बोले एक चम्मच संभाल के डालना नहीं शुगर हो जाए, शुगर बुगर, ये गौ की सेवा ने, गौ के दूध में इतने परमाणु होते हैं जो हमें स्वस्थ और बलिष्ठ रखते हैं। जैसे जो माँ के स्तन से दूध निकलता और बच्चे को जो पौष्टिकता मिलती वो त्रिभुवन में किसी टॉनिक में नहीं है, ऐसे ही गौ में जो हमारे शरीर में लड़ने की सामर्थ्य आती रोगों से वो सामर्थ्य है, वो किसी और टॉनिक में नहीं है, गौ को इसीलिए हम लोग माता कहते हैं। माता के बाद सीधे दूसरा पावरफुल अगर कोई हमारे शरीर को देने वाली वस्तु है तो वो गौ का दूध है, इतना महान पवित्र पावर। आज हम इन सब बातों को मानते हैं, पुराने लोगों की है, तो देख लो नए लोग, देख लो जैसा मना है वैसा करो, भोगोगे आगे, खुद समझ में आ रहा है कि हमारी स्थिति क्या होती चली जा रही है। हजारों लोगों में दृष्टि डालो, कोई ऐसा नहीं दिखाई देगा जो बलिष्ठ हो, जो धर्म से चलता हो, तेजस्वी हो, जिसकी वाणी में सामर्थ्य हो, जिसके देखने में सामर्थ्य हो, जिसके चलने में सामर्थ्य हो, जिसकी इंद्रियों में सामर्थ्य। आज हम सब बिल्कुल उजड़ते चले जा रहे हैं। हमारा खान पान क्या है? चाय पीजा, मतलब इतनी चाय और इतना वो टुकड़ा वो, है? हाँ, वो अच्छा बहुत और हो गया तो डबल रोटी मिला के उसमें, मतलब अरे जौ और बेझर की मिली हुई चार रोटी,
और इतना मक्खन और 1 लीटर मठा, लीवर ही काम ले करेगा अब तो। और अगर ये पाओ तो देखो कितना शरीर बलिष्ठ। अब इधर दृष्टि ही नहीं जा रही है, अब वो दृष्टि जा रही सुबह। कौन मेहनत करे? माताएं बहने जब 1 घंटा पीसती थी ना चक्की की, तो उनकी कलाइयों में इतना दम होता था कि ऐसे पकड़ ले तो बैल भी खड़ा रहे, हिल नहीं सकता। और आज चलने में दम क्यों? कि मेहनत ही नहीं है, मेहनत ही नहीं। माताएं बहने अपनी घर में देखा है ना, सुबह भगवान नाम कीर्तन करते हुए या भगवान की लीला संबंधी गीत गाते हुए वो 1 घंटा चक्की पीसते थे घर में, वो सब बलवान सुंदर पवित्र आटा होता था। और तो आज हमारा सब जीवन ही बिगड़ता चला जा रहा है। तो मुझे चाहिए कि हम अपनी धर्म की रक्षा के लिए जो चमड़े की बनी हुई वस्तुएं हैं उनसे बचे, ऐसा चाहिए। वैष्णव होकर तो खास, मतलब जो बेचारे नहीं समझते बात, अपने लोगों को तो खास इस बात की सावधानी रखनी चाहिए।